अमृतपाल सिंह बोल रहा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते मैं क्यों नहीं बात करूँ खालिस्तान की, ये कितनी सटीक बात उसने कही है। क्या अशोक गहलोत अमृतपाल के समर्थन में आ गए हैं? अमृतपाल को लेकर अशोक गहलोत के दिए बयान के आखिर क्या मायने हैं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही सवाल हर किसी के दिमाग में है, क्योंकि अशोक गहलोत का एक बयान खासा ट्रेंडिंग है। करीब 9 सेकंड वाले इस वीडियो को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि अशोक गहलोत ने अमृतपाल सिंह के समर्थन में अपना बयान दिया है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि मेनस्ट्रीम मीडिया भी इस बयान को बढ़ चढ़ कर दिखा रही है। मगर अशोक के इस बयान का फैक्ट क्रिसेंडो ने फैक्ट चेक किया, जिसमें ये पाया गया कि दावा पूरी तरह से फेक है। असल में अशोक गहलोत के अधूरे वीडियो को गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। पूरा वीडियो सुनने के बाद ये समझ में आता है कि वो अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे। उन्होंने अपने बयान में अलग देश की मांग किए जाने वाले लोगों की डिमांड को गंभीर बताया है। हमने पड़ताल में ओरिजिनल वीडियो और वायरल वीडियो की तुलना की है, जिसको देखने के बाद आप सच्चाई खुद ब खुद समझ जाएंगे। अमृतपाल सिंह बोल रहा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते मैं क्यों नहीं बात करूं खालिस्तान की, ये कितनी सटीक बात उसने कही है। भाग लेने बहुत बड़ी बात सर, भरतपुर पे इतनी मेहरबानी क्यों चल रही है? खालिस्तानी जो है वो भी खालिस्तान की मांग कर रहा है। देखिए ना, आप उसकी हिम्मत कैसे हो गई? मैं तो खुद उस दिन बहुत दुखी हुआ जब मैंने उसका नाम क्या अमृतपाल सिंह बोल रहा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते मैं क्यों नहीं बात करूँ खालिस्तान की, ये कितनी सटीक बात उसने कही है। ये बहुत खतरनाक बात है देश के लिए। आज तक हिस्ट्री में पहली बार कोई बोला है हिंदू राष्ट्र की बात करते मैं क्यों नहीं करूं। कल दक्षिण के राज्य बोलने लग जाएंगे। दक्षिण के राज्य में 40-50 साल पहले ऐसी आवाज उठी थी, नई पीढ़ी को मालूम नहीं है।